श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछेंगी, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट उपलब्धि है। तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट सर, ये बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। मोर देन द व्यथा, द इंसल्ट दैट अ वुमन फेस्ड एट दैट टाइम। Today I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. आज हम लोग सब लोग, ना वो ना ये ना ये, किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपन। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल, और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं। सब लोग यहाँ बैठ के मैं तब से देख रही हूँ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं पोलिटिकली। दिस इज नॉट डन। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछेंगी, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना अजमी नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं और। हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point, thank you. Otherwise, ma'am, on a lighter note, a very serious issue. I am a consistent person, and my past is proof of it.